अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको लेके आऊँ फार्मा नाइट हाउसिंग स्कीम लाहौर के अंदर, जहाँ पे हम विज़िट करेंगे 10 मरले का विक्टोरियन स्टाइल के साथ बना हुआ घर, जो कि अवेलेबल है मार्केट में फॉर सेल के लिए। अगर इस सोसाइटी की लोकेशन की बात करें तो ये DHA Phase 5M सेक्टर के बिल्कुल अपोजिट वाक़ है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइफ सोसाइटी मिल जाती है। अगर इसकी राइट साइड पर बात करें तो राइट साइड के ऊपर आपको स्क्री 11 मिल जाता है और बैक साइड पर आपको DHA 9 प्रिज़म मिल जाता है। आज मैं जिस घर के रिव्यू के लिए आपको लेके आया हूँ, ये 10 मरले का विक्टोरियन स्टाइल के साथ बना हुआ घर है। वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो में आपको इस घर की प्राइस, इस घर की रेंटल वैल्यू, आपको तमाम इंटीरियर एक्सटीरियर आपको इस वीडियो में इंक्लूड मिलेगी। अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं आपको तमाम घर बने मिल जाते हैं। अगर मैं रोड की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 60 फीट का आपको यहाँ पर कारपेट रोड मिल जाता है और ये फेसिंग पार्क हाउस है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन बेल्ट की बात करूँ तो आप वीडियोस में देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 15 फीट का आपको यहाँ पे ग्रीन बेल्ट मिल जाता है। अकोमोडेशन की बात करूँ तो अकोमोडेशन में आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे 2 मास्टर बेडरूम, टीवी लाउंज, किचन, ड्राइंग रूम और 2 कार पार्किंग की स्पेस मिल जाती है। फर्स्ट फ्लोर पर आपको 3 मास्टर बेडरूम, टीवी लाउंज, किचन की ऑप्शन मिल जाती है। मैं अब आपको ले चलता हूँ घर की तरफ। अगर मैं यहाँ पे यूटिलिटीज़ की बात करूँ तो लेस्को 3 फेस मीटर कनेक्शन आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाता है और सोसाइटी वाटर कनेक्शन की आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाता है। मैं अब आपको ले चलता हूँ घर की तरफ। जैसे हम घर की तरफ जाएँ, रैंप पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है। अगर मैं बाउंड्री वाल की बात करूँ तो 6 फीट की हाइट पर यहाँ पर आपको बाउंड्री वाल मिल जाती है, जिसमें आपको रॉक वाल और मोज़ेक का इस्तेमाल मिल जाता है। अगर मैं फ्रंट एलिवेशन की बात करूं तो आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन के ऊपर आपको रॉक वॉल का इस्तेमाल मिल जाता है और साथ आपको आयरन रॉड के साथ ग्रिल्स मिल जाती हैं। अगर मैं इस घर के मेन डोर की बात करूं तो आप देख सकते हैं मेन डोर में आपको जेट ब्लैक कलर और गोल्डन कलर के साथ पेंट के साथ आपको आयरन रॉड के साथ सॉलिड डोर मिल जाता है। अगर मैं पिलर्स की बात करूँ डोर के तो आपको देख सकते हैं आपको यहाँ पर टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है। मैं अब आपको ले चलता हूँ घर की तरफ। जैसे हम घर में एंटर हों, ड्राइंग आपको फ्रंट के ऊपर 2 कार पार्किंग की स्पेस मिल जाती है और फ्रंट वाली द्वार के ऊपर आपको मोज़ेक का इस्तेमाल मिल जाता है। राइट साइड पे और बैक साइड पे ऊपर आपको ओपन स्पेस मिल जाती है। लेफ़्ट साइड की बात करें तो लेफ़्ट साइड के ऊपर भी आपको ओपन स्पेस मिल जाती है। अगर मैं सीलिंग के स्टाइल डिज़ाइन की बात करूँ तो इंतहाई खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया, जो आपको वीडियोस में नज़र आ रहा होगा। मैं अब आपको लेकर चलता हूँ घर के अंदर। मेन डोर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 9 फुट की हाइट पे आपको यहाँ पे मेन सॉलिड येलो पेन वुडन के साथ आपको यहाँ पे डोर मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ड्राइंग रूम की ऑप्शन मिल जाती है। राइट साइड की बात करें तो आपको वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर जाने की एक्सेस मिल जाती है। जैसे हम लेफ़्ट साइड पे एंटर हों तो ड्राइंग रूम में आप देख सकते हैं वुडन फ्लोरिंग के साथ आपको यहाँ पे टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है। फ्रंट वाली द्वार की बात करें तो फ्रंट वाली द्वार के ऊपर आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल मिल जाता है। लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए बड़ी सी विंडो मिल जाती है। सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन आपको वीडियोज़ में नज़र आ रहा है, इंतहाई खूबसूरत और मॉडर्न डिज़ाइन के साथ यहाँ पर सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया है। अगर मैं ड्राइंग रूम के डोर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको वुडन और मिरर का इस्तेमाल मिल जाता है। जैसे हम ड्राइंग रूम से फ्रंट की तरफ जाएं तो आपको टीवी लॉन्च की ऑप्शन मिल जाती है। टीवी लॉन्च की बात करें तो फ्लोरिंग के ऊपर टाइल का स्टाइल डिज़ाइन कलर कम्बिनेशन आप देख सकते हैं। फ्रंट पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। राइट साइड के ऊपर आपको मीडिया वॉल की ऑप्शन मिल जाती है। सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। ड्राइंग रूम के बाद मैं आपको ले जाऊँगा किचन की तरफ। किचन की बात करें तो आप देख सकते हैं फ्लोरिंग के ऊपर आपको सेम कलर की टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है। किचन में आप देख सकते हैं टॉप और बॉटम दोनों साइड के ऊपर आपको यूवी शीट से बनी हुई कबर्स मिल जाती हैं। बर्नर आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाता है। हुड भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाता है। अगर मैं शेल्फ की बात करूँ तो ब्लैक कलर के मार्बल के साथ आपको यहाँ पर शेल्फ मिल जाएगी। अगर मैं किचन के सीलिंग की बात करूं तो इंतहाई खूबसूरत स्टाइल के साथ यहां पे सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया है। फैंस आपको यहां पे इंस्टॉल मिलेंगे। किचन के बाद मैं अब आपको ले जाऊंगा ग्राउंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम्स की तरफ। ग्राउंड फ्लोर पे 2 मास्टर बेडरूम दिए गए हैं। मैं अब आपको ले चलता हूँ फर्स्ट बेडरूम की तरफ।
जैसे हम फर्स्ट बेडरूम में एंटर हों, फ्लोरिंग के ऊपर आप टाइल का स्टाइल डिज़ाइन कलर कम्बिनेशन आप देख सकते हैं। फ्रंट वाली द्वार के ऊपर आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ मिल जाती हैं। सीलिंग की बात करो तो सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया जो आपको वीडियोज़ में नज़र आ रहा होगा। इसके बाद मैं अब आपको ले जाऊँगा वाशरूम की तरफ। वाशरूम की बात करें तो जैसे ही हम वाशरूम में एंटर हों तो लेफ्ट साइड के ऊपर मेन डोर की बैक पे आपको यहाँ पे यूवी शीट से बनी हुई आपको टॉप से लेके बॉटम तक कवर्स मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको वेंटीज मिल जाती है। वेंटीज का स्टाइल डिज़ाइन आप देख सकते हैं। द्वारों के ऊपर लगी टाइल का स्टाइल डिज़ाइन भी आपके सामने है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको शावर की स्पेस मिल जाती है, साथ ही आपको कमोड आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाता है। सीलिंग की बात करो तो सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा ग्राउंड फ्लोर के सेकेंड बेडरूम की तरफ। ग्राउंड फ्लोर के सेकंड बेडरूम की बात करें तो फ्लोरिंग के ऊपर आप टाइल का स्टाइल डिज़ाइन सेम कलर की आपको यहाँ पे टाइल मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको वुडन का इस्तेमाल मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। यूवी शीट से बनी हुई कवर्स आपको इस बेडरूम के अंदर ही इंस्टॉल मिलेगी। इसके बाद सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन आप वीडियोज़ में देख सकते हैं। इतनी खूबसूरत तरीके से यह सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया है। इसके बाद मैं आपको ले जाऊँगा वाशरूम की तरफ। वाशरूम की बात करें तो जैसे ही वाशरूम में एंटर हों तो फ्लोरिंग के ऊपर टाइल का स्टाइल डिज़ाइन आप देख सकते हैं। फ्रंट के ऊपर आपको वेंटीज मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सेपरेट शावर की ऑप्शन मिल जाती है, साथ ही आपको कमोड की ऑप्शन मिल जाती है। द्वारों के ऊपर टाइल का स्टाइल डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो हाई खूबसूरत तरीके से यहाँ पर स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया है। व्यूवर्स, ये था ग्राउंड फ्लोर का रिव्यू। इसके बाद मैं अब आपको ले जाऊँगा फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो आप देख सकते हैं जो आपको वीडियोस में बेहतर तरीके से नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सेपरेट आपको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे एंट्रेंस मिल जाती है। फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेयर्स के ऊपर आपको ट्रॉपिकल पत्थर का इस्तेमाल मिल जाता है और लेफ्ट साइड के ऊपर आपको स्टील से बनी हुई रेलिंग मिल जाती है। बिल्कुल भी आपको इसी तरफ सेकेंड फ्लोर पर जाने की सेपरेट एंट्रेंस मिल जाती है। जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर एंटर हो फ्रंट के ऊपर आपको टीवी लॉन्च की ऑप्शन मिल जाती है। टीवी लॉन्च की टाइल की बात करें तो देख सकते हैं मेरे में थाई खूबसूरत यहाँ पे टाइल का स्टाइल डिज़ाइन कलर कम्बिनेशन मिल जाता है। राइट साइड वाली द्वार के ऊपर आपको मीडिया वॉल की ऑप्शन मिल जाती है। लेफ्ट साइड वाली द्वार की बात करें तो वहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए दो विंडोज़ मिल जाती हैं। सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन इंतहाई खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया जो आपको वीडियोज़ में नज़र आ रहा होगा। इसके बाद व्यूवर्स, मैं आपको ले जाऊँगा बेडरूम की तरफ। बेडरूम की बात करें तो राइट साइड वाले बेडरूम की तरफ हम जाते हैं तो फ्लोरिंग के ऊपर आप देख सकते हैं वुडन कलर के साथ आपको यहाँ पे टाइल मिल जाती है। फ्रंट वाली द्वार के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए टू विंडोज़ मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल मिल जाता है। सीलिंग की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया जो आपको वीडियोज़ में नज़र आ रहा होगा। अटैच वाशरूम की ऑप्शन आपको यहाँ पर भी इंस्टॉल मिलेगी। वाशरूम की बात करें तो फ्लोरिंग के ऊपर आप देख सकते हैं टाइल का स्टाइल डिज़ाइन। फ्रंट पे आपको सेपरेट शावर की ऑप्शन मिल जाती है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको कमोड और वेंटिस की ऑप्शन मिल जाती है। बात करें यहाँ पे टाइल की तो इंतहाई खूबसूरत तरीके से यहाँ पे टाइल का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया है। कवर्स आपको वाशरूम के अंदर इंस्टॉल मिलेगी जो टॉप से लेके बॉटम तक यूवी शीट के साथ आपको यहाँ पर कवर्स बनाई गई है जो आपको वीडियोज़ में नज़र आ रही है। इसके बाद व्यूवर्स, मैं आपको ले जाऊंगा फर्स्ट फ्लोर के सेकंड बेडरूम की तरफ। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आपको थ्री बेडरूम्स मिल जाते हैं। किचन की ऑप्शन मिल जाती है, स्टोर रूम की ऑप्शन मिल जाती है। राइट साइड के ऊपर सेकंड बेडरूम की बात करें तो फ्लोरिंग के ऊपर सेम कलर के साथ आपको यहाँ पर टाइल मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो, अटैच वाशरूम की ऑप्शन आपको यहाँ पर इंस्टॉल मिलेगी। तमाम ए सी के कनेक्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन आपको वीडियोज़ में नज़र आ रहा होगा, इतना खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया है। इसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा वाशरूम की तरफ। वाशरूम में एंटर हों तो फ्लोरिंग के ऊपर आप टाइल का स्टाइल डिज़ाइन देख सकते हैं। फ्रंट के ऊपर आपको वेंटीज मिल जाती है। राइट साइड के ऊपर आपको कमोड और सेपरेट आपको शावर की ऑप्शन मिल जाती है। इसके बाद कबर्स की बात करूँ तो इस बेडरूम की कबर्स भी आपको वाशरूम के अंदर ही इंस्टॉल मिलेगी। इसके बाद मैं आपको फर्स्ट फ्लोर के थर्ड बेडरूम की तरफ ले जाऊँगा। थर्ड बेडरूम की बात करें तो फ्लोरिंग के ऊपर सेम कलर के साथ आपको टाइल मिल जाती है। फ्रंट के ऊपर आपको वॉलपेपर का इस्तेमाल मिल जाता है। लेफ्ट साइड वाली द्वार की बात करें तो वहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है। कवर्स आपको वॉशरूम के अंदर ही इंस्टॉल मिलेगी। सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन आप वीडियोज़ में देख सकते हैं।
इसके बाद मैं आपको लेके जाऊंगा वाशरूम की तरफ। वाशरूम की बात करें तो फ्लोरिंग के ऊपर टाइल का स्टाइल डिजाइन आप देख सकते हैं। आपको टू वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको सेपरेट शावर की ऑप्शन मिल जाती है और वेंटीज की ऑप्शन आपको यहाँ पे इंस्टॉल मिल जाती है। कबर्स की बात करें तो बिल्कुल मेन डोर की बैक पे वाशरूम की आपको यूवी शीट से बनी हुई कबर्स मिल जाती है। इसके बाद व्यूवर्स मैं आपको लेके जाऊँगा किचन की तरफ। किचन की बात करें तो आप देख सकते हैं टीवी लॉन्च इंतहाई खूबसूरत तरीके से टीवी लॉन्च बनाया गया है। राइट साइड के ऊपर आपको किचन की ऑप्शन मिल जाती है, लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जाने की एक्सेस मिल जाती है। किचन की बात करें तो टू वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। किचन के आप व्यूज़ देख सकते हैं, टॉप से लेकर बॉटम तक यूवी शीट से बनी हुई आपको यहाँ पर कवर्स मिल जाती है। ब्लैक जेट ब्लैक कलर के साथ आपको यहाँ पर पत्थर का इस्तेमाल मिल जाता है। बर्नर आपको यहाँ पर इंस्टॉल मिल जाता है। सीलिंग की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सीलिंग का स्टाइल डिज़ाइन बनाया गया जो आपको वीडियोस में नज़र आ रहा होगा। इसके बाद मैं आपको लेके जाऊँगा सेकंड फ्लोर की तरफ। सेकंड फ्लोर की बात करें तो बिल्कुल सेम कलर आपको यहाँ पे ट्रॉपिकल पत्थर का इस्तेमाल मिल जाता है। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको आयरन स्टील के साथ आपको रॉड्स के साथ आपको रेलिंग मिल जाती है। छोटी सी आपको यहाँ पर मंडी दी गई है जो आपको वीडियोज़ में नज़र आ रही होगी। अगर मैं छत की बात करूँ तो आप देख सकते हैं वीडियोज़ में छत का ओवरव्यू। मैं आपको सराउंडिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर इस घर की डिमांड की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 3,70,00,000 रुपया इसकी डिमांड। अगर इसकी रेंटल वैल्यू की बात करें तो 1,50,000 रुपये इसकी मंथली रेंटल इनकम है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी हाज़िर होंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।